हेलो गाइज, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग से ट्राइपॉड की, जो कि है गाइज डेजीटेक का 550 LW यानी लाइट वेट ट्राइपॉड। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज हमारे पास एक पैकेज मिला है और वो अमेज़ॉन की तरफ से मुझे डिलीवर हुआ है। काफ़ी बड़ा पैकेज है और गाइज अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइज ये रहा वो पैकेजिंग, कुछ ज़्यादा बड़ी पैकेजिंग दे दी है इन लोगों ने, मेरे इस टेबल पर भी फिट नहीं आ रहा है गाइज। और ये देखिए गाइज पूरी एक्चुअल जो पैकेजिंग है वो इस तरीके की है, इतनी बड़ी। और चलिए इसको फटाफट से मैं खोलता हूँ, उसके अंदर जो भी निकलता है आपको दिखाता हूँ। चलिए गाइज फटाफट से इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और ये रहा मेरा पेपर कटर और इससे फटाफट से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज बॉक्स को मैंने इस साइड से ओपन कर लिया है और अब इस साइड से भी हमें ओपन करना होगा इसे। तो गाइज बॉक्स पूरी तरीके से हमने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर से हमें एक और बॉक्स मिला है गाइज। और ये जो बॉक्स है ये है डेजीटेक का एक्चुअल ट्राइपॉड वाला बॉक्स। और ये बॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो गाइज बॉक्स को हमने साइड में रख दिया और ये वाला जो बॉक्स है ये एक्चुअल डेजीटेक का लाइट वेट ट्राइपॉड है, DTR 550 LW वाला। और यही वाली बॉक्स जो ये हमारा डेजीटेक का लाइट वेट ट्राइपॉड और गाइज DTR 550 LW वाला ट्राइपॉड है, जैसा कि मैंने अभी बताया है। और इसके यहाँ पे जो हमारा ट्राइपॉड है वो एक्चुअल ट्राइपॉड यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे गाइज लिखा है कॉम्पैक्ट ट्राइपॉड विद डाई कास्टेड मैग्नीशियम बॉडी, यानी गाइज इसमें मैग्नीशियम बॉडी का यूज़ किया गया है, वो भी डाई कास्टेड। और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो यहाँ पे हमारा 5 kg दिया गया है गाइज। और साथ ही साथ गाइज इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो तकरीबन 1700 mm है, यानी गाइज आपकी 5 ft 50 in के करीब। तो गाइज 5 ft 50 in तक ये चला जाएगा इसकी जो हाइट है वो। और गाइज मिनिमम हाइट है जब इसको फोल्ड कर देंगे तो वो है गाइज 615 mm की। और बाकी इस पर बहुत सारी अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिए हैं। और गाइज एक मेन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है, जैसे कि इसका जो वेट है वो है अराउंड 1200 के करीब। और गाइज ये है टोटल इसका बॉक्स का पैकेजिंग। अगर इस पर MRP चेक की जाए तो गाइज वो MRP यहाँ पे लिखा है 2495। और गाइज इस पर 2495 की लेबलिंग है, लेकिन ये मैंने 1700 में ख़रीदा है। और इस साइड गाइज इस पर और ज़्यादा हमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे लिखा है गाइज 2-way head विद एडजस्टेबल पैन, यानी इसका 2-way एडजस्टेबल पैन हेड है इसका। और गाइज यहाँ पे सेफ्टी जो है रबराइज्ड लेग है, यानी स्लिप नहीं करेंगे किसी भी ग्लॉसी सरफेस पे। और यहाँ पे हमें एक हुक भी देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर हम वेट लगा सकते हैं ताकि हमारा जो ट्राइपॉड है वो और ज़्यादा स्टेबल हो पाए। तो इस तरीके का है कुछ। अब जब ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करेंगे तो गाइज हम बाद में इसके बारे में और स्पेसिफिकेशंस और देखेंगे, और साथ ही साथ इसकी जो टोटल हाइट है वो भी हम देखेंगे। तो गाइज फटाफट से जो है हमारा इसको अनबॉक्स करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइज जो हमारा इतना बड़ा वाला बिग बॉक्स आया है ये रहा, इसके अंदर हो सकता है गाइज और कुछ भी हो, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो गाइज यहाँ देखिए मैंने एक मोबाइल होल्डर क्लिप भी मंगाई थी इसके साथ अलग से, और ये मुझे 150 rupees का तकरीबन पड़ा है। लेकिन इसके अंदर जो MRP पड़ी है वो गाइज 599 की है, यानी 600 rupees की पड़ी है, जो कि फेक है। ये मैंने सिर्फ 149 rupees में ख़रीदा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ इस ट्राईपॉड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज और बाकी ये जो बॉक्स है इसके अंदर पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है इसके अंदर। और ये जो मोबाइल होल्डर है इसमें मोबाइल लगाते हैं गाइज, आगे अभी वीडियो में इसके बाद में बात करेंगे। तो गाइज अभी इसको मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है ये मोबाइल होल्डर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इन सबको अनबॉक्स करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले बता दूँ गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो गाइस फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे ओपन करने के लिए आपको इस चीज़ को उठाना होगा, उठाने के बाद गाइस इसको ओपन कर लीजिए। और ये रहा गाइस हमारा ट्राइपॉड। गाइस ये डिब्बा खाली आया मेरे पास। तो गाइस हमारे बॉक्स को अनबॉक्स करने से पहले हम अपना जो मोबाइल होल्डर है
उसको एक बार पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो गाइज इस तरीके की ये पैकेजिंग में आया है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये मैंने 149 रुपीज़ में ख़रीदा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इसमें दो जगह गाइज कॉपर के जो स्क्रू वाले जो होल्स होते हैं वो दिए गए हैं, एक यहाँ पर दिया गया है और एक यहाँ पर दिया गया है। इस वाले होल से आप इसको इस तरीके से माउंट कर सकते हैं और इस वाले होल से आप जानते ही इस तरीके से माउंट किया जाता है। और गाइज इसके अंदर जो है एक स्प्रिंग दी गई है, जो जैसे कि आप इसको खींचेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ ऊपर की तरफ निकल आएगा और इसी के अंदर हमारा जो मोबाइल है वो फंस जाता है। गाइज मैं मोबाइल से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं आपको दूसरा फ़ोन जो मेरे पास है मैं वो आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ। मेरे पास ये जियो का मोबाइल फ़ोन है और आपको इस चीज़ को यहाँ पर स्ट्रेच करना है और इस जियो वाले फ़ोन को मैंने पीछे की तरफ पुश कर दिया और ये यहाँ पे अटैच हो गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। अब जैसे आपके पास ट्राईपॉड होगा तो ये वाला जो यहाँ पे ये जो होल है इसको आप ट्राईपॉड के स्क्रू में डाल करके इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है गाइज ये और स्प्रिंग क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर एक आपको स्पंज देखने को मिल जाएगा और गाइज ग्रिपिंग के लिए भी इसमें टीथ्स दिए हुए हैं, देखिए गाइज यहाँ पर, और ये टीथ काफ़ी अच्छी ग्रिप दे रहे हैं और ये आगे की तरफ उठे हुए हैं तो गाइज जो हमारा मोबाइल है वो भी स्लिप नहीं करेगा। तो इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा लगा, प्रीमियम लगा और 149 रुपीज़ में ये वर्थ है गाइज। अब चलिए हम अपना जो बॉक्स है उसको अनबॉक्स करते हैं। गाइज इसी की हमें अभी अनबॉक्सिंग करनी है इस ट्राईपॉड की और अनबॉक्सिंग के साथ साथ पूरा फुल रिव्यू, फुल हाइट, हर एक एक फ़ीचर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये है मेरा ट्राईपॉड जिससे मैं पहले शूटिंग कर रहा था और अभी भी मैं इसी से शूटिंग कर रहा था और यही मेरा पहला ट्राईपॉड है। जो इसके भी पहले एक मैंने लिया था लेकिन वो मैंने एक फ्रेंड को दे दिया है गाइज। और अब चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये टेबल थोड़ा सा इस ट्राईपॉड के मुताबिक छोटा है और इस ट्राईपॉड ये वाले छोटे ट्राईपॉड से इसकी अनबॉक्सिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे, तो इस वजह से लोकेशन को करना पड़ेगा चेंज। तो चलिए फटाफट से चलते हैं दूसरी जगह पे और इसको फटाफट से दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं गाइज, क्वालिटी कॉन्टेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए गाइज फिर अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे आप इसको जब खोल लेंगे तो उसके बाद आपको खोलना होगा और अब ये हमारा ट्राईपॉड यहाँ पे निकल रहा है और ये रहा हमारा ट्राईपॉड और ये एक पैकेजिंग में आया है और पैकेजिंग के ऊपर एक पॉलीथीन का कवर है। इस कवर को हम हटा देते हैं और जो गाइज इसका कवर है वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है मुझे और मैट ब्लैक में है जो कि मेरा फेवरेट कलर है। और गाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें एक हमको स्ट्रिप भी दी हुई है जिसकी वजह से हम इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड मुझे देखने में लग रहा है। यहाँ पे एक जिप दी गई है जिसे हम ओपन कर लेते हैं। अब हमें हमारा ट्राईपॉड दिख रहा है गाइज, ये रहा हमारा ट्राईपॉड, इसे निकाल लेते हैं गाइज। ये भी एक पॉलीथीन में रैप्ड है और गाइज पॉलीथीन उसी के अंदर मैंने रहने दी। ये रही देखिए गाइज इस तरीके की पॉलीथीन में ये आया था और ये रहा हमारा ट्राईपॉड। इसको मैं हैंडल से पकड़ लेता हूँ गाइज और ये सारी चीज़ें मैं साइड में रख देता हूँ। तो गाइज़ ये रहा कुछ हमारा ट्राईपॉड इस तरीके का दिखता है और यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है, मैं इसको खोल देता हूँ। गाइज़ इस तरीके का है हमारा टोटल ट्राईपॉड और मैं इसका जो हेड है उसको मैं सीधा कर लेता हूँ। एक मिनट, देखिए गाइज़ मैंने इसका हेड जो है वो सीधा कर लिया है और अब मैं आपको एक एक चीज़ आराम से समझा देता हूँ बैठ करके। और ये देखिए गाइज़ इसका हैंडल है जो मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि ज़्यादातर ट्राईपॉड्स में हैंडल नहीं गिवन है और इसका यूज़ करके आप बिल्कुल आराम से इसको कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं आप इसको। या तो फिर गाइज़ इसको यूज़ करते वक्त, जैसे कि अभी इसको यूज़ करते वक्त इधर से उधर आप रख सकते हैं इस हैंडल के ज़रिए। और गाइज़ काफ़ी अच्छा है, ये मेटल का हैंडल है पूरा और गाइज़ जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिजिटेक की ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छा ट्राईपॉड है ये, देखने में भी काफ़ी कूल लुक दे रहा है मुझे। और गाइज़ ये पूरा का पूरा ट्राईपॉड मैट कलर में है, ब्लैक मैट और एकदम जेट ब्लैक में है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज़। और यहाँ पे आपको लॉक मैकेनिज्म मिलेगा, जब आप इसको लॉक कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज़ नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे लॉक नहीं करेंगे तो ये आसानी से क्लोज़ हो जाएगा। और गाइज़ इसका जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और गाइज़ अब बात करते हैं इसके हेड के बारे में, तो गाइज़ यहाँ पे हमें टू वे पैन मूवमेंट दिख जाता है। आप जब इसे इस साइड को स्क्रू करेंगे यानी घुमाएंगे तो गाइज़ ये ऊपर नीचे होगा, लेकिन जब आप इसको फिर से घुमाएंगे तो गाइज़ ये टाइट हो जाएगा और ये मूव नहीं करेगा। फिर आप इसको दाएँ बाएँ भी हिला सकते हैं, तो इस तरीके से गाइज़ टू वे पैन मूवमेंट हो गया ऊपर नीचे और आपका लेफ़्ट राइट, और गाइज़ पूरा 360 डिग्री घूम जाता है ऊपर और गाइज़ 180 डिग्री ऊपर नीचे हो जाता है और
काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिख रहा होगा, इससे इसकी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल होती है। और इस तरीके का है पूरा गाइस, इसका जो है कि हेड आपका और ये जो स्क्रू है इसका, इसको अगर आप टाइट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, हिलता नहीं है ज़्यादा। और जब फिर अनटाइट कर देते हैं तो ये आराम से एकदम स्मूथ मूवमेंट देता है, जैसे भी आप इसको हिलाना चाहें। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और हमें दिया गया है क्विक रिलीज प्लेट। यहाँ पर आप जब इसको खींचेंगे तो ये जो प्लेट है ये आप निकाल सकते हैं इस प्लेट को, और इसी के अंदर जो हमारा होल्डर है वो लगता है। तो गाइस इस क्विक रिलीज प्लेट के अंदर ही हमारा होल्डर लगता है, या तो फिर अगर आपके पास DSLR है तो वो भी इसी क्विक रिलीज प्लेट के अंदर ही लगेगा। इसके अंदर आपको एक मेटल की स्क्रू देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप अपना जो भी या तो होल्डर है या तो DSLR है वो आसानी से लगा सकते हैं। और इसके पीछे गाइस आपको एक नट टाइप का दिखेगा, जिसको आप घुमा के इसको DSLR में लगा सकते हैं। अक्सर हम DSLR को घुमा घुमा करके छोटे वाले ट्राइपॉड्स पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्क्रू अलग से दिख जाएगा जिसको आप घुमा के DSLR में लगा सकते हैं। इस प्लेट की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसको लगाना भी काफ़ी आसान है। देखिए गाइस मैंने आसानी से इसको लगा दिया है, और गाइस यहाँ पे लगाने के बाद आप इस तरीके से कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। होल्डर लगाने के बाद मैं होल्डर लगा के आपको लास्ट में दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे एक और स्क्रू दिया गया है, जिसकी वजह से आप वर्टिकल वीडियोज़ भी शूट कर सकते हैं, जैसा कि टिकटॉक में करते थे। और तो और गाइस इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में करने के बाद भी आप इसको आसानी से मूव कर सकते हैं इसके हेड को। और गाइज़ अब चलिए इसको बंद कर देते हैं। और इस तरीके से गाइज़ ये जो टिकटॉक वाला मैंने आपको दिखाया, ये वर्टिकल वीडियो शूट करने के लिए यूज़ होता है। आप इसको इस तरीके से करके यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल लेवल इंडिकेटर, जिसकी वजह से आप इसको पैरेलल भी रख सकते हैं ग्राउंड की वजह से, ये काफ़ी हेल्प करता है गाइज़। और इस पूरे ट्राइपॉड में एक बबल लेवल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये बबल लेवल इंडिकेटर भी काफ़ी हेल्प करता है गाइज वीडियो शूटिंग में। फिर यहाँ पे आपको एक लीवर दिखेगा, जिसको आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो हमारा जो हेड है वो ऊपर जाने लगेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो गाइज ये नीचे आ जाएगा, और अगर इसको नीचे दबाएंगे तो गाइज ये जो लीवर है वापस से नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पेस भी काफ़ी कम लेता है गाइज, और ये ट्राइपॉड काफ़ी कॉम्पैक्ट भी हो जाता है। और गाइज़ ये जो पूरा ट्राइपॉड है इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक लॉक देखने को भी मिलेगा जो अच्छे से वो हो जाता है। और अब बात करते हैं गाइज़ इसके जो लॉक्स हैं, लेग लॉक्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ लेग भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं और लॉक्स भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छे मटेरियल का बना हुआ है, और गाइज़ रफ़ एंड टफ़ बिल्कुल लग रहे हैं, ज़्यादा जल्दी ख़राब तो होंगे नहीं। और गाइज़ यहाँ पे बड़ा करने के बाद देखिए आप लेग कितना बड़ा हो जाता है इसका। और गाइज सोचिए इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस ट्राइपॉड की हाइट कितनी ज़्यादा होने वाली है। अभी वीडियो के लास्ट में इसकी हाइट भी मैं शो करूँगा। और गाइज यहाँ पे इसको बंद करना भी काफ़ी आसान है, बस आपको क्लैंप्स खोलने हैं और इसको अंदर की तरफ पुश कर देना है, वापस से क्लैंप्स बंद कर देने हैं। तो गाइज ये था पूरा इसका करना, मतलब क्लोज करना इसको और खोलना, ये भी काफ़ी आसान था। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गया, यहाँ पे आपको एक हुक दिया जाएगा, जो कि जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था तो मैंने आपको बताया था, डिब्बे पे भी लिखा हुआ था। इसके अंदर एक्चुअली हम वेट डाल सकते हैं, और वेट डालने के बाद गाइज ये जो हमारा ट्राइपॉड है ये जब पूरी इसकी लेंथ हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और गाइज यहाँ पर आपको एक ग्रिप मिलेगी नीचे रबर वाली, जो कि इसको स्लिपरी नहीं बनाएगा, किसी भी ग्लॉसी सरफेस पे आप रखेंगे तो जल्दी स्लिप नहीं करेगा। अब गाइज यहाँ पे आपको एक और स्क्रू देखने को मिल जाएगा, ये स्क्रू एक्चुअली वर्क करता है, इसको ऊपर नीचे जब हम हेड करते हैं तो, अगर आप इस पर DSLR रखते हैं, कोई वजनी सामान रखते हैं जैसे DSLR, तो गाइज अगर आप इसको नहीं टाइट करेंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा उस DSLR के वेट की वजह से, लेकिन मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे भी। और अगर आप कोई भारी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा इसको टाइट कर लें। अब गाइज इसके लुक्स की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पहली नज़र में। गाइज इसका जो बैग था वही मुझे स्नाइपर का बैग लग रहा था, मेरी मॉम भी कह रही थी स्नाइपर का बैग है। और गाइज लुक के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर Digitech की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। मैट कलर है ब्लैक, जो कि मेरा फेवरेट कलर है, तो इस वजह से मुझे और कूल लग रहा है। हैंडल भी इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है, मेटेलिक हैंडल है, पूरा जो बॉडी है वो डाईकास्टेड मैग्नीशियम का बना हुआ है, तो वो भी काफ़ी ऑसम है। और चलिए अब गाइज मैं आपको इसको पूरा फुल लेंथ करके दिखाता हूँ। तो गाइज फुल लेंथ करने के लिए मैं थोड़ा सा दूर हटता हूँ और इसको पूरा ओपन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसकी पूरी लेंथ है कितनी। तो गाइज ये मेरे हाइट से थोड़ा सा ऊपर चला जा रहा है, तो इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है। तो गाइज ये रही इसकी पूरी फुल हाइट, और काफ़ी ज़्यादा ऊँची इसकी हाइट हो जा रही है। और आपको बता दूँ मेरी हाइट जो है यहाँ तक है सिर्फ, ये मेरी हाइट से इतना ज़्यादा ऊपर है। और गाइस काफ़ी अच्छी इसकी हाइट है, ये जो है गाइस इससे इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रही है। इसके लेग्स कुछ इस तरीके से हैं गाइस, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है। और गाइस देखिए इस तरीके का है कुछ, और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा हाइट हो गई है इसकी, तो
इस वजह से गाइज इसको मूवमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी गाइज इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे।